रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से बेदम हो रहे यूक्रेन ने पुतिन से बहुत बड़ा बदला लेने की नाकाम कोशिश की। टारगेट फिर रूस की राजधानी मॉस्को था। मॉस्को के आसमान में एक के बाद एक कई ड्रोन नजर आए, लेकिन मॉस्को की सुरक्षा चाक चौबंद थी। एक भी ड्रोन मॉस्को को दहलाने में कामयाब नहीं हुआ। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने 5 ड्रोन अटैक किए, लेकिन एक भी हमला कामयाब नहीं हो सका। इस बीच रूस ने यूक्रेन में एयर डिफेंस की तैनाती के बाद अपने घातक ड्रोन कलेक्शन को आजमाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब अपने पेसर ड्रोन को भी इस्तेमाल कर रहा है। सोमवार को सूमी में यह जोरदार धमाका हुआ और मंगलवार को शुरू हुआ इसी अटैक के बदले का एक्शन। कुछ इसी तरह का एक ड्रोन मॉस्को के आसमान में गड़गड़ाता हुआ नजर आया। मॉस्को की सुरक्षा के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में जैसे ही खतरे का सिग्नल मिला, अफरा तफरी मच गई। मॉस्को की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया गया। ड्रोन को हवा में नष्ट करने में कामयाबी मिली, लेकिन कुछ ही देर बाद एक और ड्रोन आसमान में दाखिल हुआ। फिर तो मॉस्को को ड्रोन अटैक से बचाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत करनी पड़ी। मॉस्को में कुल 5 ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। रूस का दावा है कि सभी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। करीब 5 घंटे तक मॉस्को में दहशत का आलम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन अटैक का टारगेट मॉस्को का वनुकोवा एयरपोर्ट था। ये राजधानी का मेन एयरपोर्ट है जहां अक्सर विदेशी फ्लाइट्स भी आती रहती हैं। ड्रोन अटैक की खबर मिलते ही कुछ देर के लिए विमानों की आवाजाही रोक दी गई। ड्रोन अटैक की वजह से 5 विमानों को डायवर्ट करना पड़ा। 2 ड्रोन का मलबा एयरपोर्ट से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर बरामद हुआ। मॉस्को के नोवाया इलाके में भी ड्रोन का मलबा मिला है। माना जा रहा है कि रूस की राजधानी में ड्रोन अटैक यूक्रेन के सूमे में हुए धमाके का बदला था। रिपोर्ट के मुताबिक सूमी में रूस ने यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस जोरदार धमाके में सूमी में यूक्रेन का एक इंटेलिजेंस सेंटर तबाह हो गया। यहाँ यूक्रेनियन खुफिया एजेंसी का रीजनल हेडक्वार्टर था। रूसी हमले में यूक्रेनी एजेंसी SBO के दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। कीव में पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती है। यही वजह है कि रूस अब उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां अमेरिकी डिफेंस सिस्टम नहीं है। हालांकि मॉस्को में ड्रोन अटैक के आरोप से यूक्रेन इनकार कर रहा है, लेकिन हर बार की तरह रूस ने ड्रोन अटैक के लिए यूक्रेन पर आरोप लगाया है। पिछले 60 दिन में मॉस्को पर 5वां ड्रोन हमला। मॉस्को में पहला हमला 3 मई को हुआ था, दूसरा हमला 15 मई को किया गया, 30 मई को फिर मॉस्को को टारगेट बनाया गया, 11 जून को भी मॉस्को पर हमले की कोशिश हुई और अब जुलाई की 4 तारीख को भी मॉस्को में 5 ड्रोन से अटैक की कोशिश की गई। 3 मई को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से अटैक किया गया था। दोनों ड्रोन क्रेमलिन के डोम पर क्रैश हुए थे। हालांकि हमले के वक्त पुतिन वहां मौजूद नहीं थे। मॉस्को और क्रेमलिन पर टारगेट के बाद से ही पुतिन ने वॉर जोन में अपने घातक ड्रोन को उतारने का फैसला किया है। रूस की सेना सिर्फ ईरान के ड्रोन पर निर्भर नहीं है। रूस ने अब S-70 हंटर ड्रोन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा रूस अब पेसर ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। रूस का पेसर ड्रोन भी बेहद ताकतवर और घातक है। रूस का ये ड्रोन किसी एयरक्राफ्ट की तरह नजर आता है।
इस ड्रोन की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्रूज स्पीड पर यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। ड्रोन की रेंज 1440 किलोमीटर है। ये 60 किलो के हथियार के साथ 24 घंटे तक हवा में रहने में सक्षम है। रूस की आर्मी ने इस ड्रोन का प्रदर्शन सबसे पहले 2016 में किया था। रूस इसी ड्रोन को ओरियन नाम से दूसरे देशों को भी बेचता है। रूस का दावा है कि ओरियन वर्जन वाला ड्रोन 1000 किलो के हथियार लेकर उड़ सकता है। यूक्रेन ने रूस के पेसर ड्रोन के इस्तेमाल का दावा मार्च में भी किया था। रूस ने तब पेसर के इस्तेमाल से यूक्रेन के कमांड सेंटर को उड़ा दिया था। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी तब पेसर ड्रोन का वीडियो जारी किया था। रूस के इस ड्रोन से गाइडेड हथियारों को गिराया जा सकता है, इसलिए रूस का ये ड्रोन यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका के लिए पैकेज में यूक्रेन के लिए कई एयर डिफेंस का भी ऐलान है। अमेरिका की कोशिश है कि यूक्रेन के उन इलाकों को भी आसमानी कवच मिले जिसे रूस अब सॉफ्ट टारगेट मान चुका है। सूमी, खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया में अमेरिका जल्द ही एयर डिफेंस की तैनाती करने जा रहा है, जिसके बाद रूस को ड्रोन अटैक में और दिक्कतें आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।